अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कोड स्टूडियो की तरफ से एक और नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जो कि है वर्डप्रेस पे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वर्डप्रेस आप किस तरह से अपने लोकल होस्ट पे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये ना सोचिएगा कि हमें कोडिंग नहीं आती तो हम ये काम कर नहीं सकते। ये काम बहुत आसान है, कोई भी लेमैन अपनी वेबसाइट खुद बना सकता है, जो कि वर्डप्रेस पे, चाहे वो ई कॉमर्स हो, चाहे वो ब्लॉग वेबसाइट हो, या जो मर्ज़ी हो। आज की इस वीडियो में यही बताऊंगा आपको, ये पूरी सीरीज चलेगी कि किस तरह आप स्टेप बाय स्टेप अपनी वेबसाइट को कंप्लीट कर सकते हैं। आज की पहली वीडियो में आपको मैं कंप्लीट इंस्टॉलेशन बताऊँगा इसकी, जो कि आप इसको कहाँ से डाउनलोड करेंगे, कहाँ पे रखेंगे इसको, कहाँ से इसको रन करेंगे। सबसे पहले तो आपकी इसकी प्री रिक्वायरमेंट है कि आपके पास ज़ैम्प होना चाहिए। अगर आपके पास ज़ैम्प नहीं है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको कंप्लीट वीडियो भी इस पर बना दूंगा कि आप ज़ैम्प किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं जी अपने जहाँ से हमने ये डाउनलोड करना है वर्डप्रेस। तो व्यूअर्स, हमारे इस चैनल कोड स्टूडियो को बनाने का मकसद क्वालिटी कंप्यूटर साइंस कंटेंट को उर्दू ज़बान में लोगों तक पहुंचाना है, ताकि मेड इन पाकिस्तान की तरह लर्न इन पाकिस्तान का भी रुझान पैदा हो सके। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आइंदा के इसी तरह के ट्यूटोरियल्स भी आपको मिलते रहें। अच्छा जी, मैं इनकी वेबसाइट पे आ गया हूँ जी, wordpress.org डाउनलोड। यहाँ से हम अपना वर्डप्रेस डाउनलोड करेंगे, जो कि डाउनलोड करने के बाद कहाँ पे रखना है ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसको डाउनलोड करते हैं जी। जब तक ये डाउनलोड होता है तो मैं इसके बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन दूंगा। अच्छा, ये मेरे पास लाइव सर्वर भी पड़ा हुआ है, मैं आपको चाहता तो यहाँ पे लाइव करके भी बता सकता था, लेकिन शुरू में लोगों के पास सर्वर नहीं होते, सी पैनल वगैरह नहीं होते, वो पहले अपनी वेबसाइट बिल्ड करना चाहते हैं, उसके बाद उसको लाइव करना चाहते हैं। तो सबसे आसान तरीका ये था कि मैं आपको पहले लोकल होस्ट पे इंस्टॉल करके दिखाऊँ, आप पूरी की पूरी वेबसाइट आप वहाँ पे अपनी बिल्ड करें, पूरा जो भी आपने फंक्शनैलिटीज़ डालनी है वो वहाँ पे कर लें वो काम। वो हम आपको आगे चल के स्टेप बाय स्टेप वीडियोस में बताएंगे कि आप किस तरह से कंप्लीट वेबसाइट अपनी बना सकते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट या कोई भी ब्लॉगिंग वेबसाइट। आज की वीडियो तो सिंपल इंस्टॉलेशन पे है, आपको फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फाइल मैनेजर में या सी पैनल में आप किस तरह अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को लाइव कर सकते हैं। जब तक ये डाउनलोड होता है तब तक हम वेट कर लेते हैं, फिर आपको मिलता हूँ इंशाल्लाह जब ये डाउनलोड हो जाएगा कम्प्लीटली। अच्छा जी, जैसा कि आप देख सकते हैं ये कम्प्लीट डाउनलोड हो चुका है वर्डप्रेस। तो सबसे पहले इसको यहाँ से उठाते हैं, इसको यहाँ से कट करते हैं। ज़ैम्प का फोल्डर है मेरे पास एक, अगर आपको नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको कंप्लीट इंस्टॉलेशन ज़ैम्प की भी बता दूंगा, ये कोई मुश्किल नहीं है ये। तो ये हम HD डॉक्स में आ गए हैं, यहाँ पे एक नया फोल्डर मैं बना लेता हूँ जी, जो कि है कोड स्टूडियो के नाम से, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर जाके मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ अपने वर्डप्रेस को, और यहीं पर इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से आपने डेटाबेस कनेक्ट करनी है, इसमें डेटाबेस आपकी किस तरह लिंक होगी। अच्छा, हमने डायरेक्ट फाइल्स जो वर्डप्रेस की है ना, वो हमने रखनी है कोड स्टूडियो के फोल्डर में। तो मैं यहाँ से इसको कट करके पीछे आ जाता हूँ, यहाँ पे सारी की सारी फाइल पेस्ट कर दी। अब जो फाइल नहीं चाहिए मुझे, ये नहीं चाहिए, यानी कि वो जो जिसमें वर्डप्रेस था, ये दो फोल्डर में वैसे डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि ये मुझे चाहिए नहीं। तो अब मैं आपको बताता हूँ जी इसका किस तरह एक्सेस करना है। आपने, मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आपने लिखना है लोकल होस्ट, हमने लिखा था कोड स्टूडियो के नाम से फोल्डर रखा था। जिस तरह के आप देख सकते हैं कि ये वर्डप्रेस कंप्लीट इन आ गया हुआ है। अब हमने इसके स्टेप बाय स्टेप आपको बताना है कि आपने क्या करना है इसमें। सबसे पहले तो आपकी जो भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे, मैं US इंग्लिश करना चाह रहा हूँ तो मैं ये करूँगा। इसको नेक्स्ट कर दिया हमने जी। अब वो कह रहा है कि आपने डेटाबेस नेम, यूज़र नेम और पासवर्ड और होस्ट नेम। अच्छा, जब आप ज़ैम्प इंस्टॉल करेंगे ना तो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड तो तभी सिलेक्ट होता है। नॉर्मली लोग यूज़र नेम वो जो रखते हैं रूट रखते हैं RWT, और पासवर्ड जो है वो ब्लैंक होता है, वो खाली होता है, उसमें कुछ नहीं होता। और इसको हम नेक्स्ट करते हैं जी। अच्छा, अब एक और काम करना है कि हमने लोकल होस्ट के PHP एड, यानी कि जहाँ पे डेटाबेस रखनी है ना इसकी बनानी है, वहाँ पे चलेंगे PHP माई एडमिन में। अच्छा जी, यहाँ पे आ गए हैं, मेरे पास ये काफ़ी वेबसाइट पड़ी हुई हैं, तो यहाँ से हम पहले क्रिएट करेंगे।
वह हम डेटाबेस का नाम रखते हैं जी कोड्स स्टूडियो, ठीक है। ये स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये आपको सेव करके रखना है, ठीक है। मैंने डेटाबेस क्रिएट कर दी यहाँ से कोड स्टूडियो। अब यहाँ पे हम वापस आ जाते हैं, हमने जो डेटाबेस का नाम रखा है वो कोड स्टूडियो रखा है, वो यहाँ पे आ जाएगा। यूज़र नेम हमारा जो ज़ैम्प का है वो रूट है, पासवर्ड इधर कुछ भी नहीं है, और लोकल होस्ट पर रन होगी। और ये प्रीफिक्स यानी कि आपके डेटाबेस के जो टेबल होंगे वो wp_orders इस तरह के टेबल्स बनेंगे। अगर आप ये चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से सबमिट करता हूँ, मैं अब रन द इंस्टॉलेशन करता हूँ, ठीक है। बाकी सेटिंग मैंने कंप्लीट कर दी है। अच्छा, अब यहाँ से वो पूछ रहा है कि आपकी वेबसाइट का टाइटल, तो मैं अपनी वेबसाइट का टाइटल रखूँगा कोड स्टूडियो। इसका यूज़र नेम यानी कि वो जो आपने एक्सेस करना है ना पैनल, एडमिन पैनल, उसकी इन्फॉर्मेशन ये मांग रहे हैं कि आप क्या रखेंगे। मैं फ़िलहाल एडमिन रख रहा हूँ और पासवर्ड भी मैं एडमिन ही रख रहा हूँ। कन्फर्म यूज़ ऑफ वीक पासवर्ड, ठीक है। ईमेल आप कोई भी ईमेल वो रखिएगा जो आपकी चल रही हो, तो मैं अब अपनी ईमेल ये रख रहा हूँ, जो कि अगर आपको पासवर्ड वगैरह भूल जाए तो इस पे आप दोबारा से इस ईमेल पे आपको पासवर्ड रिकवर हो जाएगा। तो ये हमने ये वाला टिक मार्क देख लीजिएगा, ये हमने टिक नहीं करना, क्योंकि इसकी वजह से जब हम लाइव करेंगे ना वेबसाइट, तो हमारी ये वेबसाइट SEO फ्रेंडली नहीं होगी, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का अगर आपको आइडिया है तो आपको पता लग जाएगा कि हमारी रैंक नहीं करेगी ये वेबसाइट। तो इसीलिए ये वाला जो टिक मार्क है इसको मार्क नहीं करना, इसको अनमार्क ही रहने देना है। अब मैं करता हूँ इंस्टॉल वर्डप्रेस, ठीक है। अब थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको कंप्लीट वर्डप्रेस इंस्टॉल होने में, तब तक वेट करते हैं जी। अच्छा, मेरा वर्डप्रेस ये इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब वो कह रहा है लॉगिन करो, हमने लॉगिन उस यूज़र नेम पासवर्ड से रखना है जो हमने पहले वहाँ पे हमने दिया था। मैं यहाँ पे एडमिन मेरा था, तो मैं यहाँ से लॉगिन करता हूँ। ये यहाँ से ये डैशबोर्ड आ गया, ठीक है। हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है, आप अपने लोकल होस्ट पे जाके देख भी सकते हैं कि हमारी वेबसाइट लाइव हो गई है या नहीं है लोकल होस्ट पे। ये देखें जी, ये हमारी इंस्टॉलेशन लोकल होस्ट पे कंप्लीट हो गई है, जो कि कोर स्टूडियो के नाम से थी। आपको लाइव करना भी आपको आगे चल के बताएंगे कि आप वेबसाइट किस तरह से लाइव कर सकते हैं। बाकी इसकी फंक्शनैलिटीज़ मैं आपको बताऊंगा, फ़िलहाल मैं आपको एक अपीयरेंस चेंज करके बता देता हूँ, आप थीम वगैरह किस तरह से आप देख सकते हैं थीम वगैरह को। फ़िलहाल मैं ये वाला थीम सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं एक्टिवेट करता हूँ इस थीम को, तो ये थीम मेरी वेबसाइट पे बन लग जाएगा, ठीक है। मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, ये ठीक है, ये ब्लॉग थीम है, ये सिंपल सा। आगे चल के हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे, इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा इस चीज़ का। तो आज की वीडियो में मैं यही बताना था आपको कि आप किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं अपने वर्डप्रेस को अपनी लोकल होस्ट पे। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।